एक तरफ जहां पूरा मिडिल ईस्ट आग के गोले पर बैठा है, जो इसराइल और ईरान के झगड़े की वजह से कभी भी फट सकता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जिसका अंदाजा खुद इसराइल को भी नहीं है। और अगर इसराइल अपने इस काम में कामयाब हो जाता है तो मिडिल ईस्ट पर परमाणु विभीषिका का खतरा पैदा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुखिया राफेल मारियानो ग्रोसी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि हालिया दिनों में ईरान की परमाणु गतिविधियां भौंवें खड़ी करने वाली हैं। ईरान कुछ ही हफ्तों के भीतर परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि उसका मौजूदा यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल 60% के पार जा चुका है और अब वो परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% यूरेनियम एनरिचमेंट से बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि IAEA ने दिसंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट स्तर को 60% से आगे बढ़ा चुका है, जो परमाणु स्तर के बम बनाने के 90% के करीब है। और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। IAEA के मुखिया ग्रोसी का कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमारी पहुंच और पारदर्शिता में कमी IAEA के लिए एक समस्या है। ग्रोसी ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं अपने ईरानी समकक्ष को बार बार बता रहा हूं कि ये परमाणु गतिविधि भय खड़ी करने वाली है और हकीकत में हमें स्तर की पहुंच और पारदर्शिता नहीं मिल रही है जो होनी चाहिए। वहीं परमाणु हथियार को लेकर ईरान कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांति के उद्देश्य से है। वहीं IAEA के मुखिया ग्रोसी ने पिछले साल जनवरी 2023 में कहा था कि ईरान के पास उचित मात्रा में यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिससे वो कई परमाणु हथियार बना सकता है। और ग्रोसी के इस बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में काफी चिंता पैदा हो गई थी। यहां तक कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का कहना था कि ईरान की परमाणु गतिविधि और उसके समर्थित गुटों की गतिविधियां इलाके को अस्थिर कर रही हैं। वहीं ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर ग्रोसी ने एक और बड़ी बात की। उनका कहना है कि ईरान में ढूंढे यूरेनियम एनरिचमेंट की जगह को परमाणु साइट्स का दर्जा नहीं मिला है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ईरान गुप्त तरीके से अन्य ठिकानों पर परमाणु गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।